तो दोस्तों कटहल का कोफ्ता बनाने के लिए ये मैंने 400 ग्राम कटहल लिया है। इसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है और इसका जो हड्डी होती है ना बीच में जो एक टाइट सा पार्ट होता है उसको निकाल दिया है। उसको हमको नहीं लेना है, वो नहीं खाना चाहिए। जो सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होते हैं बस वही लेना है। तो इसको मैंने अच्छे से धो करके काट लिया है। और ये मैंने दो आलू लिए हैं जिसको धो के अच्छे से काट लिया है, टुकड़ों में काट लिया है। इससे जो इससे क्या होगा कि जब हम इसको कुकर में डालेंगे ना तो ये जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो चलिए इसको कुकर में सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम नीचे इन कटहलों को डालेंगे। इससे क्या होगा ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए हम सबसे पहले कटहल डालेंगे। सारे कटहलों को डाल देते हैं, उसके बाद आलू डाल देंगे, कटे हुए सारे आलू को डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। 2 से 3 सीटी में जो हमारा कटहल और आलू है बहुत ही अच्छे से उबल जाएगा। तो दोस्तों देखिए जब तक हमारा कटहल उबल रहा है, जो कोफ्ता हमको बनाना है, कटहल का कोफ्ता बनाना है, उसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। देखिए मैंने ग्रेवी के लिए क्या क्या लिया है। ये देखिए मैंने ये 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली हैं और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और वो हरी मिर्ची है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और वो लाल मिर्ची मैंने ली है जो बिल्कुल तीखी नहीं है, ये कलर के लिए मैं डालूँगी। और ये 3 से 4 प्याज है जो मैंने पहले ही काट लिया है। और मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं, इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और कोफ्ते का स्वाद भी, उसका टेस्ट भी बहुत ही चटपटा सा आएगा, इसलिए टमाटर भी लिया है मैंने। तो चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच हम तेल इसमें डालेंगे। इस सब्ज़ी के लिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है दोस्तों। और ये तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें मैंने ये लिया है देखिए, ये 4 से 5 काली मिर्ची है और 1/2 चम्मच जीरा है, इसको डाल देंगे इसके अंदर। तो हमारा जीरा और काली मिर्ची था वो हल्का सा चटक गया है। अब इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले अदरक को। अदरक को डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद लहसुन को डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट पकाएंगे। ये हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब इसके अंदर मैं मिर्चियों को डाल दूँगी। मिर्ची को भी डाल के थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है उसको निकाल देंगे 2 मिनट भून करके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ना ये जब मैं प्याज डाल रही थी तो बहुत ज़्यादा इसकी प्याज की छन छन की आवाज़ आ रही थी, जो मेरी आवाज़ थी वो दब रही थी, इसलिए मैंने इसको म्यूट करके यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया है। ये मैं प्याज को डाल के इसको भून लूँगी। तो दोस्तों देखिए जो हमारा लहसुन और प्याज है वो अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने टमाटर को। टमाटर डाल के इसको भी जब तक कि टमाटर जो हमारा है सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक इसको पकाएंगे। नमक डालने से जो हमारा टमाटर है वो जल्दी से पक जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देंगे और जो हमारा गैस का फ्लेम होगा वो सिम में कर देंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। ये देखिए हमारे जो टमाटर थे वो एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर का छिलका भी छोड़ दिया है, टमाटरों ने अपना छिलका छोड़ दिया है। और इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सर जार में पेस्ट बना लेंगे महीन सा। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी जार में पीसेंगे। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, ये अभी से ही इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो दोस्तों देखिए इधर मेरा कटहल भी उबल चुका है 2 से 3 सीटी में। ये देखिए इसकी सीटी पूरी निकल गई है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए जो हमारा कटहल है वो अच्छे से उबल गया है, काफ़ी गर्म है ये देखिए। और पानी भी मैंने बहुत ही कम डाला था, इससे जो हमारा सब्जियों का पानी था वो भी वेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए उबालते टाइम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। वैसे भी हमको इसको मसल के कोफ्ता ही बनाना है, तो बस इसको निकाल देते हैं थाली में ठंडा होने के लिए।
अब देखिए मैंने निकाल लिया है इसको ठंडा होने के लिए। देखिए दोस्तों मैंने एक पोटैटो मैशर लिया है। इस तरीके से हम सारे कटहल और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है आलू और जो हमारा कटहल था एक दूसरे में मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, इससे जो हमारे कोफ्ते हैं वो देखने में सुंदर लगेंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा, खड़ा जीरा, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे हम इसमें। अब डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। इसके बाद डालेंगे दोस्तों ये आधा चम्मच मैंने अमचूर का पाउडर लिया है। इससे जो हमारे कोफ्ते होंगे ना आप ऐसे ही फ्राई किए हुए खाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट बहुत ही चटपटा सा आएगा। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि जब प्याज और टमाटर को भून रही थी तो उसमें भी मैंने नमक डाला हुआ था, तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम डालेंगे। और अभी ग्रेवी में भी हमको नमक डालनी है तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम डालेंगे इसमें। तो दोस्तों देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 2 कड़छी बेसन। अभी मैं सिर्फ 2 कड़छी बेसन डाल रही हूँ और बेसन डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच और बेसन मिला रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसके हम गोल गोल कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। सरसों का तेल, सरसों के तेल में ही मैं अपने कोफ्ते फ्राई करूँगी। इसमें डाल देते हैं 6 से 7 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। सरसों का तेल मेरा अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से एक एक उठा उठा के डालते जाएंगे इस तरीके से। आप छोटा या बड़ा किसी भी तरीके से बना सकते हो। देखिए दोस्तों एक तरफ से जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे, दोनों तरफ अच्छा गोल्डन ब्राउन हम इसको तल के निकालेंगे। ये देखिए मैंने इसको दूसरी तरफ भी पलट दिया है, अब इसको गोल्डन ब्राउन तल के निकालेंगे। देखिए दोस्तों जो हमारा कोफ्ता है वो दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब इसको हम बाहर निकालेंगे इसी प्लेट में, ये देख रहे हैं। बस ऐसे ही हमको अपने सारे कोफ्ते तल के निकाल लेने हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने बचे हुए तेल में तड़का लिया है जिसमें जीरा है, 2 इलायची है, दालचीनी है और 2 तेज़पत्ता है। इसको डाल के हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने कुछ मसाले भी लिए हैं जो इसी टाइम मैं डाल रही हूँ। इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 गरम मसाला 1 चम्मच और हल्दी पाउडर है, ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है। इसको जो हमने गैस का फ्लेम है ना उसको बंद करके इसको हल्का सा भून लेंगे। गैस ऑन करके भूनेंगे तो जो हमारे मसाले हैं जल जाएंगे और जो मसालों का टेस्ट है वो कड़वा आएगा, इसलिए गैस को बंद करके हम इसको भून लेंगे। अब इसके बाद में जो मैंने मिक्सी में पेस्ट बना के रखा था ना वो डाल देंगे और इसको डाल के अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो हमारी ग्रेवी है वो कढ़ाई के अंदर नाच रही है, देखिए। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये मिक्सर में ही जो मसाले चिपके हुए हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के यही वाला पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको ढककर लगा के छोड़ देंगे पकने के लिए। उसके पहले हम थोड़ी सी इसमें नमक डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। अगर कम होगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो हमारी पूरी सब्ज़ी होगी वो बेकार हो जाएगी, इसलिए नमक को थोड़ा सा कम डाल के। बहुत छटक रहा है इसको हम ढक देते हैं सिम आँच करके। देखिए मैं इसको ढक दे रही हूँ, आँच को सिम कर दे रही हूँ। देखिए दोस्तों मैंने ग्रेवी को 5 से 7 मिनट ढक ढक के पकाया है। अब देख लेते हैं हमारा मसाला कितना पका हुआ है। ये देखिए ये काफ़ी हद तक सूख गया है और काफ़ी हद तक पक भी गया है। इसको थोड़ी देर और हम तेज आंच करके भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और भून लेंगे हम। अब देखिए ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी अपनी ज़रूरत के अनुसार। इसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल के मिक्स कर देंगे इसको। दोस्तों देखिए मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है। इसमें मैंने
इसमें मैंने करीबन 2.5 से 3 गिलास पानी डाला है अपनी ज़रूरत के अनुसार। इसमें थोड़ा किसी भी कोफ्ते में दोस्तों पानी की जो क्वांटिटी होती है थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि जब हम इसके अंदर कोफ्ता ऐड करेंगे ना तो कोफ्ता ग्रेवी को सोखता है और जो हमारी ग्रेवी है वो सूखी हो जाती है। इसलिए हम जो कोफ्ते की करी होती है, वो कोफ्ते की ग्रेवी होती है, उसको हल्का सा पतला रखते हैं। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों, इसको मैं ढक देती हूँ, ढक के इसको उबाला आने देती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी जो ग्रेवी में है, जो मेरी ग्रेवी है, ग्रेवी में बहुत ही अच्छा उबाल भी आ गया है। ये एक कोफ्ते मैंने पहले ही डाल दिए थे, ये देखिए, ये मेरा कोफ्ता टूटा भी नहीं है। इसका मतलब जो हमारे कोफ्ते थे वो बहुत ही अच्छे बने हैं। कोफ्तों को डाल के मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। दोस्तों, मैंने लाल मिर्ची का उपयोग नहीं किया है, लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। और ये मैंने कोफ्ते डाली थी इसके अंदर, और इसको फिर से ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। कोफ्ता डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं अभी जो हमारा कोफ्ता है ना, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बस अब ये बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, सीजनल रेसिपी है, कटहल सीजन में ही मिलता है, तो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। मैं आपको एक कोफ्ता काट के दिखा देती हूँ, कितना सॉफ्ट है ये, देखिए कितने आराम से कट गया ये।